हेलो गाइस वेलकम टू द बी स्पोर्ट्स एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईस्ट बंगाल के बारे में तो फाइनली डेट सामने कर आ चुका है तो ऑफ अगस्त को ईस्ट बंगाल अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली इमामी ग्रुप के साथ जो पार्टनरशिप है वो वो लोग ऑफिशियली साइन कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड यू नो दो साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा बेसिकली इमामी ग्रुप के साथ भी मतलब दो साल का पार्टनरशिप होगा बोल सकते हो एंड दो साल के लिए ईस्ट बंगाल के इन्वेस्टर बनेंगे इमामी ग्रुप आई होप की लॉन्ग टर्म भी वो एक्सटेंड कर पाए एंड पता है सेकेंड ऑफ अगस्त से मेन जो ट्रांसफर विंडो है वो

लीग होता है वो जीता है पांच बार एंड ये अपने आप में बहुत बहुत ही ज्यादा एक बड़ा अचीवमेंट का लिस्ट है एंड अगर हम लोग पार्टिसिपेंट्स का बात करें तो वो तो खैर एक अलग ही लिस्ट बन जाएगा सो so, एक बहुत ही ज्यादा ह्यूज लेवल के प्लेयर है बिनाफा अब देखते कि क्या फाइनल में में आते नहीं संदेश झिंगन की तरफ से तो संदेश झिंगन के पास तीन तीन फॉरन क्लब्स का ऑफर है या फिर तीन तीन फॉरन कंट्रीज से क्लब्स का ऑफर है एंड वो तीन कंट्रीज है स्वीडन डेनमार्क एंड नॉर्वे तो इन तीनों कंट्रीज के क्लब्स का ऑफर है संदेश झिंगन के पास एंड तीन आई के क्लब्स का भी

लाइक like, कोई बहुत अच्छा बात नहीं है कि आप जा रहे हो यूरोप के क्लब में जो कि बहुत अच्छा बात है बट अगर सिर्फ आप क्लब में जा रहे हो बस पार्ट हो टीम के बट आप ना कोई गेम्स खेल रहे हो ना ही आपको कुछ भी प्ले टाइम मिल रहा है एज अ सब्सिट्यूट भी नहीं मिल रहा है सो वो काफी ज्यादा एक बड़ा कंसर्न वाला बात हो जाता है एंड यू you नो know, देखते संदेश जिंगन का नया क्लब कौन सा होता है एफसी गोवा की तरफ से एफसी गोवा फैंस के लिए थोड़ा सा से एक सेटबैक वाला न्यूज है कि एफसी गोवा इस साल कोई भी और साइनिंग नहीं कंप्लीट करने वाले मतलब उन्होंने छह फॉरेन प्लेयर्स का साइनिंग कंप्लीट कर लिया है और कोई भी वो इंडियन प्लेयर का साइनिंग नहीं कंप्लीट करेंगे एंड उदंता सिंह का जो डील था वो भी कोलेप्स कर गया है एफ सी गोवा डेफिनेटली एक विंगर ढूंढ रहे थे उदंता सिंह का जो अगर हम लोग देख ले वो डील भी काफी हद तक आगे बढ़ गया था लाइक मुझे भी लगा था कि डील हो जाएगा बट एंड मोमेंट में आके डील कोलैप्स कर गया जो कि लाइक होता है फुटबॉल वर्ल्ड

और यू नो कोरो सी एफ जैसे क्लब में खेला सीवाई डी लियोनेस ग्रनर सी एफ जो कि मैंने ऑलरेडी बताया दिया शेफील्ड यू नो एक दूसरा क्लब इंग्लैंड का उसमें खेल, खेला इन्होंने सो so, गेम्स तो खैर काफी सारा ही खेला है लालीगा में 46 सिक्स मैचेस खेला है इन्होंने, लालीगा के सेकंड डिवीजन में 220 मैचेस खेला है इनके करियर का सबसे बड़ा पार्ट है एंड स्पेन अंडर 21 टीम के भी इन्होंने दो मैचेस खेला है uh, जो कि लाइक ज्यादा मैटर करता नहीं है एज और लाइक एज कैटेगरी अभी उतना ज्यादा मैटर नहीं करता अगर आपका एज मतलब आप यंग प्लेयर नहीं हो तो सो वो ज्यादा कुछ मैटर करता नहीं है लास्ट सीजन इन्होंने टोटल फिफ्टीन मैचेस खेला है बट उनको प्ले टाइम कुछ भी ज्यादा ऑफर नहीं किया गया है बहुत ही ज्यादा कम प्ले टाइम मिला था उनको एंड उनका परफॉर्मेंस उतना ज्यादा खास है नहीं सो सी पेडिग्री अच्छा है एक्सपीरियंस भी अच्छा है रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है तो केरला के लिए थोड़ा सा एक यू नो डिसीजन मेकिंग वाला टाइम है सो so, देखते हैं कि क्या फाइनली यू नो फाइनल you know, केरला ब्लास्टर्स एफसी में आते हैं नहीं सर ईस्ट बंगाल की तरफ से तो जैसे कि मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ईस्ट बंगाल अभी धीरे धीरे बात कर रहे फॉरेन प्लेयर्स के साथ एंड अभी वो करेंटली बात कर रहे हैं लुक यू you नो know, कैस्टिग्नोस के साथ एंड ल्यू कैस्टिग्नोस एक डच प्लेयर है इन्होंने नीदरलैंड के नेशनल टीम का होके गेम्स तो नहीं खेला है बट रिजर्व में थे बेसिकली सबस्टिट्यूशन में थे बेंच में थे बट इनको सैडली प्ले टाइम नहीं मिला बट एज अ प्लेयर प्रेडिग्री के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल के प्लेयर है इनका एज ट्वेंटी नाइन सेंट्रल फॉरपोरे के प्लेयर है इन्होंने काफी ही ज्यादा बड़े बड़े क्लब्स में खेला है अगर हम लोग इनका लास्ट क्लब का बात करें जो है क्रिटेसी एससी जो कि एक ग्रीस का फर्स्ट डिविजन का क्लब है उससे पहले इन्होंने स्पोर्टिंग सीवी में खेला है विटेसी में खेला है जो कि नेदरलैंड का काफी बड़ा क्लब है फ्रैंकफर्ट जैसे क्लब्स में खेला है ट्वेंटी एफ में खेला है एंड इनके करियर का सबसे बड़ा क्लब इंटर मिलान में खेला है मतलब क्लब का नाम हिसाब से बता रहा हूँ परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्मेंस इनका सबसे बढ़िया अगर हम लोग देख लेते ट्वेंटी एफ में था एक्चुअली एंड ओवरऑल रिसेंट परफॉर्मेंस भी इनका ज्यादा कुछ खास है इनका करंट मार्केट वैल्यू टू करोड़ जो कि यू नो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है मार्केट वैल्यू एंड इन डिवाइस में इन्होंने टोटल वन फिफ्टी नाइन मैचेस खेला है इलेवन एस के लिंग में भी इन्होंने 19 मैचेस खेला है बुंडेस लिग में इन्होंने खेला है 19 मैचेस एंड लीगा पोर्तुगल में भी नॉ मैचेस खेला है के लिए के सेकेंड डिवीजन में खेला है सो so एक्सपीरियंस बहुत इनके पास जैसे कि मैंने बोला रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा डाउन में है बट मैं सबसे इस बंगाल के लिए एक ठीक ठाक साइनिंग हो अभी कैसा क्लिक करता है ये भी काफी ज्यादा मैटर करेगा एंड अगर हम लोग सिर्फ स्पेसिफिकली बात कर ले लास्ट सीजन का क्योंकि ओवरऑल करियर रिकॉर्ड अच्छा है लाइक स्टार्ट देख के अभी तो लग रहा है कि यार करियर रिकॉर्ड अच्छा है बट रिसेंट परफॉर्मेंस इनका बहुत कुछ खास नहीं है लाइक पंद्रह मैचेस खेला लास्ट सीजन दो गोल किया है प्ले टाइम लिटरली काफी ज्यादा

काफी अनएक्सपेक्टेड साइनिंग होगा क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे क्लब्स ने इंटरेस्ट दिखाया था चेल्सी हो गया यूनाइटेड हो गया और भी बहुत सारे क्लब्स ने इंटरेस्ट दिखाया था बट किसी ने भी इनका साइनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए एंड यहां पे अगर बार्सिलोना ये साइनिंग कंप्लीट कर लेते तो शॉक तो डेफिनेटली होगा ही अब देखते हैं क्या जुलियस बार्सिलोना में आते नहीं टीम टीमो वर्नर की तरफ से तो हम सबको पता ही है क्या यार जब से वो चेल्सी में आए टीमो वर्नर का परफॉर्मेंस ज्यादा कुछ खास रहा नहीं है एंड अभी ये रिपोर्ट निकल के आया है कि टीमो वर्नर के पास रेडबुल लिब्सिक का भी एक ऑफर ऑफर है मतलब रेडबुल लिपजिक ने इंटरेस्ट दिखाया इनके ऊपर एंड ये साइनिंग लिटरली कंप्लीट हो सकता है जो कि काफी ज्यादा एक आई यू नो अच्छा साइनिंग हो सकता है अब बुरा भी हो सकता है क्योंकि फॉर्म उनका उतना ज्यादा खास है नहीं सो so, देखते कि क्या फाइनल टीमो वर्नर रेडबुल लिपजिक में वापस जाते हैं नहीं